हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक माय चैनल श्रीका। सही हो पा रहे हैं? बहुत अच्छे होंगे। हाँ, यहाँ पे स्टगत बाबा को दूध पिला रहे हैं बिट्टू। तो यहाँ पे मम्मी आज जुतिया की है और पास वाली भाभी आई थी मम्मी के साथ करने के लिए। तो मम्मी आज वही कर रही है, वे पूजा वगैरह करेगी और मैं शुरू से रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और यहाँ पे मम्मी पूजा भी कर ली थी, यहाँ पे सिंदूर वगैरह पहना रही, इसका कथा सुनेगी और मुझे भी यहाँ पे सिंदूर पहना रही थी। और आप लोग को भी जुतिया की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान करे जिसका गोद भरा नहीं उसका गोद भर दे। आप लोग मुझे बहुत कमेंट करते हैं, दी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, तो मैं हमेशा करती हूँ जिसका गोद नहीं भरा भगवान भर दे। मुझे पता है कैसा लगता है अगर नहीं होता है तो भगवान और जिसके है उसे खुश रखे इसके बच्चे को। तो आज है जीवित पुत्र का मतलब जुतिया जो होता है वो है, तो मम्मी आज जुतिया की है और मैं क्यों नहीं की वो आप लोगों को बताऊंगी आराम से बाद में। फिलहाल तो मैं खाना बना रही हूँ, आज पता है गाइस लेट भी हो गया है और सारा सामान जो है ना फैला हुआ है, देख सकते हैं। और मम्मी मुझे सिंदूर लगाती हैं और लड्डू यहाँ पे सो रहा है मेरा, इसे घर के अंदर दे दूँ सोने के लिए, सही से सोएगा। मैं फटाफट जाती हूँ खाना बनाने गाइस और मैं बताऊंगी आप लोगों कि मैं जीवित पुत्र का जो पुत्र का जो ये व्रत होता है मैं क्यों नहीं की हूँ वो आराम से बताऊंगी आप लोगों को। अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा काम है मुझे, फटाफट वो सब काम ख़त्म, फिर लड्डू उठ जाएगा, फिर परेशानी होगा। तो चलिए फटाफट जाती हूँ। आज वेज थाली बना रही हूँ, पापा मतलब पापा का भी अच्छा नहीं लग रहा है तो कुछ खाएँगे, तो सोच रही हूँ पुलाव बना दूँगी और वेज मिक्स सब्जी बनाऊँगी और मूंग का तड़का बना दूँगी, क्योंकि एक ही बार बनाऊँगी, रात को कुछ नहीं बनाऊँगी, सिर्फ रोटी बनाऊँगी रात को बस, क्योंकि आज मुझे संभालना है बाबू को पापा को इनको संभालना है, क्योंकि मम्मी आज निर्जला उपवास है और मेरी माँ भी मेरे लिए की है, हम लोगों के लिए की है। तो मेरी माँ कल से भूखी है और आज 5 बजे शाम को शायद खाएगी मम्मी। और मेरी सासू माँ आज की है और ये तो मेरा ठीक ही नहीं हो रहा है, पता नहीं कब ठीक होगा। तो सब 2 दिन कर रहे हैं, कोई कल की कोई आज की, कोई बात नहीं, श्रद्धा मन में होना चाहिए, कभी भी करो भगवान का तो भगवान को चले जाएगा। तो मम्मी तो फिलहाल भी पूजा कर रही है, इसके बाद बारिश भी हो रहा है आज, तो चाहती हूँ फटाफट किचन फटाफट काम सब समेटती हूँ पहले। एवरीवन, तो अभी बाबू सो रहा है, मम्मी लोग का अभी पूजा पाठ चल रहा है अभी, क्योंकि आज है जितिया तो इसलिए पूजा हो रहा है आज घर में। बाबू आराम से सोया हुआ है यहाँ पे, अम्मी स्थिति किचन में खाना बना रहे हैं। क्या खाना बना रहे हैं अम्मी स्थिति? वेज क्या बन रहा है? वेज पुलाव। अच्छा, और मिक्स वेज सब्जी और मूंग दाल का तड़का। ये पंखा, नया पंखा खाए थे लाए थे जो कि भी बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, पीछे कुछ डैमेज हो गया इसी वजह से बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। और बारिश का मौसम किया है और गर्मी भी लग रहा है और ये पूजाओं के टीकाओं का लग गया है मिस्त्री जी का, यहाँ पे हो गया है, पता नहीं क्या हो गया, इनको होते रहता है हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है, कुछ लगा हुआ बहुत परेशानी है इनके साथ। अभी बारिश ठीक होता है सर्दी हो जाता है, सर्दी ठीक होता है फुंसी हो जाता है, फुंसी ठीक होता है पैर वाला घाव हो जाता है, मतलब क्या बोले। किचन में देखिए सामान कैसे फैला हुआ है, खाना लास्ट में एक दो चीज बचेगा सिर्फ खाना रखने वाला बस। हाँ, और मम्मी और आंटी पूजा हो रहा है अभी, क्योंकि आज फास्टिंग रहेगा दिन भर, रात में सब खोलेगी ना? नहीं, कल। अच्छा, कल फास्टिंग खोलेगा, थोड़ा सा हार्ड फेस्टिवल है ये। तीज भी और ये भी सेम ही है, पानी वानी कुछ नहीं मिलता ऐसे ही। तो अभी बन के रेडी हो जा तब दिखाएंगे थोड़ा पूजा पाठ का। तो फाइनली मेरा सारा खाना बन चुका है, अभी 11:30 बज रहा है, सारा किचन भी क्लीन हो गया है एकदम,
बर्तन वगैरह सब कुछ धो चुकी हूँ मैं, और मेरा पूरा फेस पे सिंदूर सिंदूर हो गया, फैल गया है। मैं बताती हूँ आप लोगों को मुझे क्या हुआ है फिर से। और मैंने यहाँ पे सारा खाना बना के कर लिया है कम्प्लीट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बनाया है लिया है फ्राई राइस भी बोल सकते हैं, और ये तो पुलाव बोल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने बनाया है मिक्स वेज सब्जी पनीर वगैरह डाल के, और यहाँ पे मैंने बनाया है दाल, ये है मूंग की दाल का तड़का जो है वो ला के मैंने बना लिया है, और देखूँगी कैसा बनाई मैं, देख सकते हैं। एवरीवन, तो सारा खाना बन के हो गया है रेडी अच्छे से, और मैं श्रुति आप लोगों को दिखा दिया, लेकिन अब जो हम लोग का खाना प्लेट में आने वाला है इसलिए फिर से दिखा रहे हैं। और ये हो गया रेडी पुलाव मिक्स सब्जी पनीर के साथ, दाल सैलेड। तो खाते खाना करते इंजॉय, आप लोग भी कीजिए इंजॉय। एवरीवन, तो अभी खाना वगैरह खा के हम लोग नीचे आ गए थे, और कुछ आप लोगों को पार्सल वगैरह दिखाना है, फ्लिपकार्ट से मंगवाई थी मैं, तो सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ, आप लोगों को क्या पता काम पड़ जाए तो आप लोग भी ले सकते हो। और न्यू किचन के लिए मंगवाई थी, तो अभी आए हुए नीचे। और गाइस, मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करती हूँ कि जीतिया मैं क्यों नहीं की वो आप लोगों को बताती हूँ। क्योंकि अभी ना गाइस, आप लोगों को पता ही है कि मेरा तबीयत कैसा है, मेरे में अगर पानी का कमी होगा तभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और वो बात तो अलग है, अभी बाबू छोटा है, सभी लोग सोचेंगे, सभी लोग बोलेंगे कि एक बेटा है इसका, तो एक नहीं की या फिर कुछ और। तो ये पहले बात तो ये है कि बेटा बेटी कुछ भी हो करना चाहिए, बेटा बेटी बराबर है। मेरी आज बेटी भी होती तो भी मैं बोलती कि मैं क्यों नहीं की और करूँगी आगे चल के ऐसा कुछ। तो मेरा तबीयत ठीक नहीं है गाइस, अभी भी ठीक नहीं है, पता है बहुत ज़्यादा सर्दी हो गया अंदर से, और ये हो गया है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है इसको लेके, और फूल गया है पूरा, और ये सब पूरा ये वाला ऊपर का, ये वाला नीचे का ना पूरा जल गया है, इतना ज़्यादा गर्मी था ना मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ है, पूरा ये सब जल गया है, काला काला हो गया है सब में, और इसके ऊपर यहाँ पे जो है ना दाना दाना हो गया है, यहाँ पे दाना दाना हो गया है, पूरा फेस पे दाना दाना हो गया, और अंदर से सर्दी है, अच्छा नहीं लग रहा मन बिल्कुल, इसीलिए अभी नए किचन में आके मैं कुछ भी नहीं, अभी सूट अभी नहीं कर पा रही, कुछ भी सूट नहीं कर पाऊँगी अभी। मैं सोच रही थी स्टार्ट करूँगी, लेकिन अभी रेस्ट करूँगी, 5-6 दिन आराम करूँगी, इसके बाद फिर स्टार्ट करूँगी, अभी इसलिए स्टार्ट नहीं कर पा रही हूँ मैं। और इसी वजह से मैं अभी ये सब फास्टिंग अभी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, और अभी कुछ साल तक मैं अभी करूँगी नहीं, अभी जब तक मैं ठीक नहीं होंगी, जब तक बाबू मेरा बड़ा नहीं होगा तब तक मैं अभी नहीं करूँगी, ये तो करना ही है मुझे। मम्मी की है, मम्मी अभी फ़िलहाल सो रही है, आराम कर रही है, और यहाँ पर मिस्टर भरत लड्डू को लेके बैठे हुए हैं। लड्डू खेल रहा है वो। तो चलिए, आप लोगों को कुछ पार्सल है तो वो दिखाऊंगी मैं अभी। और मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा होगा, इस मुझे खुद ख़राब लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, पूरा फेस अच्छा नहीं लग रहा, काला कलर लग रहा है, तो ये सब हो गया ऐसे वैसे और ज़्यादा भी। तभी कुछ दिन रेस्ट करूँगी, इसके बाद ये सब काम अभी नहीं करूँगी, स्टार्ट करूँगी तो अच्छे मूड से, अच्छे तरीके से स्टार्ट करूँगी इसी वजह से। ठीक है, तो सबसे पहले ये मैं मंगवाई थी शॉपसी से, नहीं मीशो से मंगवाई हूँ मैं कुछ सामान, तो ये मीशो का मेरा एक पार्सल है, और इसमें है मेरा चॉपिंग बोर्ड, तो मैं आपको दिखाती हूँ ये रहा, ये काफ़ी बहुत ही अच्छा है, बहुत पसंद आया मुझे, और मैंने लकड़ी का मंगवाया हुआ था, प्लास्टिक वगैरह का नहीं यूज़ करूँगी, ये लकड़ी का मस्त एकदम, और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मुझे बहुत पसंद आया। और मीशो का इसमें प्राइस भी बता देती हूँ, मीशो से ली हूँ तो मीशो का इसमें प्राइस नहीं लिखा हुआ है, आजकल नहीं लिखा रहता है, ओ बाबा आजकल नहीं लिखा होता है, तो अगर आप में से किसी को लेना होगा ना तो इसका कोड दे देना होगा ना, इसका 100 से कुछ कम ही है,
शायद 98 ऐसा कुछ था, तो 100 ही बोलेंगे। तो इसका 100 रुपीज लिया गया है, बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत भी है और अच्छा। तो ये हो गया पहला सामान। और दूसरा जो है मैंने मीशो से मंगवाया हुआ है वो आप लोगों को दिखाऊंगी। मैंने कुछ डेकोरेशन के लिए किचन का, ये 4 है मेरे पास, बहुत सुंदर सुंदर है। सबसे पहले ये दिखाती हूँ, यहाँ पर दिखाई, ये देखिए 4 मिला है मुझे, बहुत बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आया। इसका प्राइस सुनकर ना गाइस आप चौंक जाओगे कितना में मैंने खरीदा है। और ये है एक, ये मैं वीडियो वगैरह शूट करूँगी, मिनी ब्लॉग खाना का, तो रेसिपी वगैरह डालूंगी, तो उसके लिए मैंने मंगवाया। क्योंकि मैं बहुत सारा वीडियो सर्च करके बहुत सारा मैंने देखा कि कैसे के लोग शूट कर रहे हैं, कैसे डेकोरेट कर रहे हैं, कैसे क्या दिखा रहे थे, ऐसे मैं भी सोची चलो मैं भी ट्राई करती हूँ, कुछ नया करूँगी। और एक ये है 3रा नंबर पर, ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, काफ़ी खूबसूरत है, मुझे भी बहुत पसंद आया। और एक ये है, ये भी बहुत सुंदर है, अच्छा। और ये 4 है, और ये मुझे मिला है, ये 4 मुझे मिला है 100 रुपीज में, और बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आया। बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है ना कि ये इसमें पूरा भरा हुआ है, क्या जी सीमेंट कुछ है ना, नहीं नहीं कुछ है, तो ये पूरा इतना दूर तक भरा हुआ है, और इसमें ना थोड़ा थोड़ा करके डाला हुआ है। इसको सिर्फ क्या किया है, ओह अच्छा, इसके अंदर ये बना हुआ, इसको घुसा दिया है, तब निकलेगा, जैसे ये वाला निकल गया ना तो ये घुसा सकते हैं। और मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया हुआ है, खाती हूँ आप लोगों को बोलूँगी क्या, ये एक बड़ा सा पार्सल है फ्लिपकार्ट से मंगवाया है, ये मुझे काफ़ी पसंद आया है, बहुत सर्च करते करते मुझे मिला है, ये रहा, ये देख सकते हैं। और आप लोगों को अच्छे से मैं दिखाऊंगी कि क्या है, कैसे है, कितना प्राइस है। ये है, ये फ्लिपकार्ट से मंगवाए थे, और वो दोनों में मीशो से मंगवाए थे, तो मुझे बहुत पसंद आया गाइस। सबसे पहले तो मुझे लगा कि ये जो है ये कांच का होगा, लेकिन ये कांच का नहीं है, प्लास्टिक का है, लेकिन अच्छा है ना, कांच का फूटने का डर रहता है, तो अच्छा है प्लास्टिक का है तो चलेगा। और इसमें अच्छे से, इसमें पता है गाइस कितना डब्बा है, इसमें 18 डब्बा है, 16 डब्बा है, ऊपर 8 और नीचे 8 है, 16 डब्बा है इसमें। और मैं आपको दिखाती हूँ, अगर मुझे कुछ भी लेना होगा तो मैं यहाँ से ऐसे निकाल लूँगी, इसको ऐसे खोल लो, मेरा इसे लगा दूँगी, फिर इसे लगा के और फिर यहाँ पे ऐसे लगा दूँगी, ये लग गया, बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। और अगर ये मुझे उधर का कुछ सामान चाहिए होगा तो मैं ऐसे ऐसे घुमाऊँगी, ये आ जाएगा, मुझे बहुत बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। और ये पता है उस टाइम पे ट्रेंडिंग में चल रहा था और सेल में चल रहा था, ये सेल में दे आ रहा था, तो इसका प्राइस इसमें है ना, प्राइस लिखा हुआ 212 रुपये मुझे पड़ा था इसका, अब इसमें तो दिख नहीं रहा है मुझे, 212 रुपया है इसका प्राइस, मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने कहा चलो 200 रुपये सही है इसका ले लेती हूँ। नहीं तो और मैं मीशो में पता है इसे सर्च की थी, इसका फ़ोटो डाल के देखी तो उसका 400 प्राइस दिखा रहा था, और ये फ्लिपकार्ट में ही मिल रहा था 200 में, तो मैंने सही से खरीदा। आप लोग कमेंट बताना कैसा लगा, बहुत सुंदर है ना, बहुत अच्छा है, बहुत पसंद आया मुझे। और कल आप लोगों ने मेरे मिनी ब्लॉग में देखा होगा कि मैं मुश्तावत गए थे मार्केट, और वहाँ से ना हम लोग ये जरूरी एकदम सामान हम लोग खरीद के लेकर आए हैं। ये है कढ़ाई छोटा वाला, और मुझे बहुत अच्छा लगा, छोटा सा मैंने खरीद लिया हुआ है क्योंकि थोड़ा सा अच्छा ले, मतलब मुझे ऐसा लेना था एक, तो मुझे बहुत पसंद आया, तो मिस्टर वाले मुझे दिला दिए ये वाला, बहुत सुंदर है और बहुत हैवी भी है थोड़ा। और ये मैंने किया है चलाने वाला, और ये एक है आलू वगैरह छीलने के लिए, छीलना है
तो अभी इतना सामान मुझे लिए काफ़ी है स्टार्ट करने के लिए, लेकिन वैसे मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, इस वजह से मैं अभी स्टार्ट नहीं करूँगी, कुछ दिन रुक जाती हूँ उसके बाद स्टार्ट करूँगी, थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ गाइस, इसके बाद करूँगी। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर करने हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। आज के लिए बाय, तो पूरा वीडियो देखा कीजिएगा और फिर कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और एक मैं बात आप लोग बताना चाह रही हूँ कि आप लोगों ने बहुत बहुत सारा कमेंट किया मेरे हेयर फॉल्स जो हो रहे हैं, तो उसके लिए आप लोगों ने बहुत सारा मुझे सजेस्ट किया कि दीदी ये कीजिए कीजिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों को इतना मेरा फिक्र है, बहुत अच्छा लगा। और बहुत लोगों ने कहा दीदी आंवला का जूस पीजिए, आंवला का चूर्ण खाइए, तो मैं आंवला का जूस, पता है गाइस मेरे घर में दो दो बड़ा डब्बा रखा हुआ है आंवला जूस का, और आंवला चूर्ण भी है, मतलब मेरे घर में पतंजलि का सब सब दवाई है मेरे घर में, मेरे पापा जी जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं पतंजलि का। तो बस आप लोगों ने जिस दिन बोला उसी दिन से मैं सुबह से स्टार्ट कर दी हूँ आंवला जूस पीने के लिए, तो उसके लिए थैंक यू आप लोगों को बहुत सारा, और मैं अभी इसे पीते चली जाऊँगी, मतलब रेगुलर अब पीते ही रहूँगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। तो चलिए आज के ब्लॉग में बने, आज के लिए बाय।